की बागियों में लगने वाला सूरजकुंड मेला इस बार दिसंबर माह में लगाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दूं कि पिछली बार मार्च में 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जो है सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन गर्मी होने की वजह से दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसको लेकर के ही शायद इस बार अधिकारियों ने फिर से एक बार दिसंबर माह में इस मेले को लगाने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि सूरजकुंड मेला जो इस बार लगेगा, अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसी अभी अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी मिली है यही मिली है, लेकिन अभी इसके आधिकारिक तौर पर जो कहते हैं लिखित तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हरियाणा टूरिज्म अधिकारियों द्वारा पता चला है कि दूसरी बार लगने वाला यह मेला आम मेले से छोटा होगा। आम मेले में जिस तरीके से स्टॉल लगाए जाते थे, इस बार स्टॉल उस प्रकार से नहीं मिलेंगे, लेकिन स्टॉल के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और खान पान जो यहाँ व्यवस्था होगी वो पूरी होगी। जो स्टॉल खाने पीने और सांस्कृतिक कार्यक्रम के होंगे वो पूरी तरह से यहाँ पर पर्यटन आकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मेले को 16 से 18 दिसंबर तक लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो हरियाणा टूरिज़्म के MD हैं नीरज कुमार, उन्होंने बताया है कि अभी इसके आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। डेट की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, डेट में अभी भी फेरबदल की जा सकती है। फिलहाल मेले की तैयारियां शुरू भी नहीं की गई हैं और यह तारीख अभी फिलहाल सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 से 18 तारीख के बीच जो है इस मेले का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस बार क्या थीम स्टेट होगी और सूरजकुंड मेले में किन किन कलाकारों को बुलाया जाएगा और कौन सी जो पार्टनर कंट्री होगी, इसकी भी अभी किसी प्रकार की कोई सूचना हमें नहीं मिली है, क्योंकि अधिकारियों की अभी जो है मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ में और अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। हालांकि इस बार जो ये साल है दो बार मेला लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले दो सालों में कोरोना के कारण इस मेले को नहीं लगाया गया था। अधिकारी हो चाहे राजनेता हो या मंत्री हो, सभी ने आज़ादी का 75वां महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया है और आज़ादी के 75वें महोत्सव के तहत ही इस बार हो सकता है कि सूरजकुंड मेले की थीम भी डिसाइड की जाए। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आज़ादी के 75वें महोत्सव के तहत इस सूरजकुंड झील को जीवनदान मिलेगा या नहीं, या हर बार की तरह इसे इसी प्रकार से वीरान रखा जाए। ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें अलाइव न्यूज़। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।